सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल लेटेस्ट भीज को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो गाइज, वेलकम टू लेटेस्ट भीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर रिलेटेड क्विज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से, और ये रहा क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन इच अप्रूवल फॉर एन ऑर्डिनेंस टू यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आईडी प्रूफ फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स एंड ऑब्टेनिंग मोबाइल सिम। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वन, आधार। तो अभी आधार रिलेटेड एक तो ऑर्डिनेंस पास किए हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurated an Indo-Russian joint venture, Indo-Russian Rifle Private Limited, to manufacture the new Kalashnikov AK-203 rifle? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थ्री, अमेठी, उत्तर प्रदेश। तो अभी अभी अमेठी के मतलब उत्तर प्रदेश के अमेठी में नरेंद्र मोदी ने इसे इनागुरेट किए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which department sets its seventh world record by providing आर्टिफिशियल लेग्स? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थ्री, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हेल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर टू, न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली में अभी ये हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which state becomes the highest natural gas producer in the country? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर टू, त्रिपुरा। और अभी अभी ये अपने अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इनागुरेट किए हैं एक तो इनागुरेट तो नहीं, एक तो स्टोन डाले हैं और एक त्रिपुरा में एक तो गैस का फिलिंग सेंटर को लेके, एलपीजी गैस फिलिंग सेंटर को लेके उन्होंने उसका स्टोन रखे, तो निपशिला रखे हैं उसे जो भी बोले। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। नेम द कंट्री दैट होस्टेड द 2019 नॉर्थ कोरिया यूनाइटेड स्टेट हनोई समिट। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर फोर, वियतनाम। वियतनाम अभी होस्ट करने जा रहा है ये समिट। संप्रीति 2019 इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वन, इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये मिलिट्री का एक्सरसाइज होता है जो इसका नाम है संप्रीति। तो आगे बढ़ते हैं। व्हिच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर थ्री, इंडिया। इंडिया ने अभी टॉप किए हैं ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे को। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेनलाइज्ड कर्नाटका बैंक विथ डेक्स क्रोर फॉर द डिले कॉस्ट इन फॉलोइंग द गाइडलाइंस मैंशनड इन टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द स्विफ्ट रिलेटेड कंट्रोल्स? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर, 4 करोड़। अभी अभी कर्नाटका बैंक ने 4 करोड़ का पेनल्टी भरे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेबी बोर्ड विथ ए व्यू टू मेक मोर कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट द फी फॉर एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम ₹15 per crore टू ₹10. तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर टू, जो कि है ₹1, मतलब 15 से लेके उसे अभी 1 रुपये कर दिया गया है। और उसे अभी क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि इसका रेट को कितने परसेंट से गिराया गया है, तो उसका हो जाएगा 93.33% से उसका रेट को डिक्रीज किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which bank received the best bank award from the state government of Tamil Nadu? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वन, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक को अभी बेस्ट बैंक अवार्ड मिला है तमिलनाडु गवर्नमेंट से। आगे बढ़ते हैं। Which organization created a new Guinness World Record for the longest single moving line bicycle parade? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वन, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इन्होंने अभी एक तो न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हु वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर थ्री, संजीव रंजन। संजीव रंजन ने अभी अभी अपॉइंट हुए हैं एज ए सेक्रेटरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनिल कुंबले ए फॉर्मर इंडियन कैप्टन वाज री अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी फॉर ए फाइनल थ्री ईयर टर्म?
तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कमिटी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल काउंसिल ऑफ एशिया। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 जो कि है शेख अहमद अल फरात अल सबा। नाम तो बहुत ही अच्छा है और ये अभी अभी री इलेक्ट हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच स्पोर्ट विल रिटर्न इन एशियन गेम्स 2022 एडिशन इन हैंगजोउ। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 जो कि क्रिकेट। अभी अभी क्रिकेट बैक कर रही है एशियन गेम में जो कि होगा 2022 वाले एडिशन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड डे ऑफ द फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लोशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 जो कि है मार्च 4 को ये अभी अभी ऑब्जर्व किया गया था जो है फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल सेफ्टी डे दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th of March 2019। तो इसका थीम क्या था, इसका थीम था ऑप्शन नंबर 1 जो कि है कल्टीवेट एंड सस्टेन ए सेफ्टी कल्चर फॉर बिल्डिंग नेशन। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेशनल सिक्योरिटी डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th March 2019, इट इज आल्सो नोन एज ट्विच। तो इसको और कौन से दिन में जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 4 जो कि है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी बोला जाता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी डे को क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी बोला जाता है। तो चलते हैं अभी स्टैटिक जीके वाले पर्सन पे जो कि अपने आज ही के करंट अफेयर के बेसिस पे बनाया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, हु इज द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है अजय भूषण पांडे हैं UIDAI के CEO। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ US। तो US के कैपिटल कौन है, US के कैपिटल है वाशिंगटन DC और उसका करेंसी है डॉलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द जुआरी रिवर लोकेटेड। जुआरी रिवर कहाँ है, तो है वो गोवा में। और आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके चेयरपर्सन है मिस्टर अजय त्यागी। कौन है, अजय त्यागी है चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहना।